हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। नहीं तो गाइस, आज के दिन की भी शुरुआत हो चुकी है। और आज के दिन की शुरुआत, जैसे कि कल आपने देखा था, पैकिंग वगैरह की थी। तो अब हम सुबह उठे हैं 4 बजे, अभी बज पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। मम्मा पापा हम सारे लोग रेडी हैं, अब बस निकलना है। 5:30 बजे ट्रेन है, अब सीधा बस बैग पैकिंग करके निकल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हो गए? हाँ ठीक है, बिल्कुल। इसमें रख दे रहे हैं फालतू में, एक ऐसी लटका कर ले चलो। तो मम्मा अभी नगा उड़ रहे हैं, खिसियाती खिसियाती। अरे हाँ, लेट हो गए, उठे फिर भी लेट हो गए। मम्मा का नकाब नहीं बन पा रहा है इन टाइम पर, और ट्रेन आने वाली है। चलो भाई साहब, निकलते हैं जल्दी से। चलो, कोहरा नहीं कट रहा है, गली में बिल्कुल सुनसान पड़ी है। गली में एक इंसान नहीं दिख रहा अपने अलावा, खतरनाक कड़क कड़क कर रही है चप्पल। ट्री भी मिल गई। चलो, हम समझ रहे खतरनाक कोहरा पड़ रहा होगा एकदम। आ जाओ आ जाओ, चलो चल रही है टर्री। लो भाई साहब, स्टेशन भी आ गया गंडनवाला का, अब उतरो जल्दी। चलो, टिकट बुकिंग पर भीड़ लगी पड़ी है, पापा लेने जा रहे हैं जल्दी से। प्लेटफॉर्म पर आ गए, भीड़ ही भीड़ है अभी, सुबह सुबह इतनी भीड़ है। ट्रेन भी आ चुकी है, सारे लोग खड़े हो गए, भोंपा बजाती हुई आ रही है ट्रेन। और मम्मा मुड़ गई हैं इधर की तरफ, क्योंकि ट्रेन आएगी तो ये देख नहीं पाएंगी। लोग ट्रेन इधर भागना जी पीछे। चलो भाई, डब्बा पकड़ो अपना, ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है, बस सही है। चलो, लो भाव गाँव आ गया है। ठीक है भाई साहब, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भाव गाँव में, जहां पर हमको आना था। और पीछे देख सकते हैं ट्रेन जा रही है अपनी, और ट्री वगैरह पकड़ते हैं और चलते हैं। और जब ये ट्रेन चली जाएगी तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन पकड़ना है हमको। थोड़ा सा इधर कोहरा घट रहा है ना अम्मा, हल्का हल्का सा। चलो, तो ट्रेन जो है वो जा चुकी है, अब पार करना है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है, और वहीं पर मिलेगी हमारी ट्री, जो कि हमको हमारी रास्ता तक पहुंचाएगी। तो वहाँ सामने खड़ी हुई हैं काफ़ी सारी ट्रियाँ, जल्दी से पकड़ते हैं। खट खट खट। तो ठीक है, ट्री मिल चुकी है, अब जल्दी से चलते हैं। ये देखो, पेड़ पेड़ की डाली लटक जाएगी इधर, अब जल्दी से पहुंचते हैं घर पर। देख लो, गांव वाली वाइब आ गई। लो गाय भैंस, मम्मा को बहुत शौक है इन चीज़ों का। देख लो, मम्मा की फेवरेट भैंस। घर भी आ गया बड़े पापा का। तो मम्मा सही सलामत पहुंच चुकी हैं घर पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, नका वका उतार लिया, कपड़े कुचल गए, तो बहुत टेंशन में है बेचारी। हाँ, हमारे भाई ने देखो तो दाढ़ी भी लगा ली, चिकने थे अच्छे खासे, काम में ज्यादा बिजी हो गए। लो भाई, नाश्ता भी लग गया यहाँ पर। और अब हम ये दूसरी जगह पर नाश्ता कर रहे हैं, एकदम खतरनाक वाला नाश्ता लगा हुआ है। और बाहर यहाँ पर रखी हुई थी ये चिड़ियाँ छोटी छोटी सी, और तोते भी। चलिए गाइस, तो चलिए आइए, आपको दिखाते हैं छत जहाँ पर हम आए हुए हैं, वहाँ पर नजारा। सॉरी भाई, यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, पापा उधर बैठे हवा खा रहे हैं। अरे रे, इधर देख सकते हैं फील्ड है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। क्या यानी तो खुला हुआ है तो शर्म लगती है। कोई बात नहीं, शर्म आ लो एक जगह बैठ के। हमारी छत तो चारों तरफ से बंद हो गई है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ये इतना खुला है कि वहाँ इतना बंद हो गया कि कुछ दिखता नहीं है। ये इतना खुला है कि सब देख ले रहे हैं। ले वाले, अरे यार प्रेस लेके चला करो साथ में, एक प्रेस रख लो। और ये सही लगा, सबसे ज्यादा इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, टावर मिल गया जियो के यहीं बिल्कुल पास एकदम, इंटरनेट स्पीड जबरदस्त जबर और दस्त। यहीं पर इधर ही आगे कहीं मेला वेला लगता था ना, किस पे लगता है, कूनों पे।
सकते हैं। मस्जिद भी दिख रही है, मीनार मस्जिद का। और सो भी भाई किसी से संपर्क में जुड़ गए हैं, अर्जेंट कॉल चल रही है कुछ। उधर देख सकते हैं ट्री में। ना जी मैं ऐसा लगे अपनी कार है, पूरा कब्जा कर रही हूँ, ले ले ले। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर भी करें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस अल्लाह हाफिज़। बाय 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 बाय।